और बहुत ही शानदार खबर है भारत के लिए। एक बज रहा है यहाँ पे, लेकिन भारतीय फैंस दुनिया भर में जो है वो जगे हुए होंगे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। बेहद रोमांचक मैच रहा, बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे एक तरह से, ऋषभ पंत के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चला था, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह, हार्दिक पांड्या, सभी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, हर्षदीप ने, और भारत ने 6 रनों से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। यानी 8 में से 7 बार भारतीय टीम जीत में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है। सिर्फ एक बार भारत T20 वर्ल्ड कप में अब तक हारा है। टीम इंडिया के गेंदबाज, जैसा कि मैं कह रहा था, बेहद शानदार उनका प्रदर्शन रहा। सभी गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। किसी गेंदबाज ने 8 से ज्यादा इकोनॉमी, यानी एक ओवर में 8 से ज्यादा रन नहीं खर्चे। बल्लेबाजों के लिए डिफिकल्ट पिच था, पिच भी, टॉस भी, बारिश भी, ये सब भारत के खिलाफ था, और बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं रही। इसके बावजूद भारत ने रोमांचक मैच में 6 रनों से पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इसका एक और मतलब है पाकिस्तान संभवतः T20 वर्ल्ड कप से बाहर है, और भारत की जीत का, कामयाबी का सफर लगातार जारी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और के बीच जो मुकाबला हुआ और जो मुकाबला हमने देखा है, ये उन्हीं मुकाबलों में से एक है जो कई बार लोग जो है जिसकी चर्चा करते हैं। हमने मेलबर्न में देखा था कि किस तरह से इंडिया ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी उस मैच से, लेकिन विराट कोहली ने वो मैच जिता दिया। और इस बार आज जब सारे बल्लेबाज नहीं चल पाए, तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और तमाम बॉलर्स ने और फील्डिंग ने इंडिया को यह मैच जिताया है। ओसामा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, मुझे 1983 का वर्ल्ड कप याद आ गया, जब कपिल देव ने कहा था हमने 183 बनाया तो उनको 183 से कम रोकेंगे। रोहित शर्मा ने जाके ये बोला होगा कि 119 से कम में रोकेंगे उनको। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1983 की वर्ल्ड कप का जब भी आप जिक्र करते हैं तो आपकी एज जो है वो आप एक तरह से जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो बता देते हैं। 1983 के बाद जिस तरह से हमने जो है वो लगातार एक तरह से 2000 के बाद पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से हमारा क्रिकेट में दबदबा रहा है, वो एक तरह से अब आज साबित हो गया कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया को हराना काफी डिफिकल्ट होता है। और ये प्रेशर सिचुएशन आज भी देखने को मिली। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे थी। पाकिस्तान एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के फील्डर्स, उन्होंने जान लगा दी और ये मेक श्योर किया कि वो एंड तक जो है वो बने रहें, डटे रहें। और उसका रिजल्ट ये रहा है कि लास्ट के 5 ओवर्स में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम नर्वस हुई और लड़खड़ाई है, उसका फायदा इंडियन बॉलर्स ने उठाया है और कमाल की गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने। विमल जी, जो 19th ओवर था जो जसप्रीत बुमराह ने डाला है, आई थिंक वो मैच विनिंग ओवर था। 3 रन दिए उस ओवर में, इफ्तिखार का विकेट लिया। पाकिस्तान का सारा जो एक तरह से जो पावर हिटिंग थी, हमारे साथ अभिषेक नायर जुड़ गए हैं। और अभिषेक, इन्होंने जिक्र किया कि 1983 का जिक्र करते वक्त 40 की उम्र को बताना जरूरी है। एक ही खिलाड़ी भारत का जो 40 से ज्यादा रन बनाया, और सुबह उसको आपने तुरुप का इक्का कहा था, वो तुरुप का इक्का जो एक्स फैक्टर आप कह रहे थे वो, और बुमराह की तो जितनी तारीफ करें, ये मैच तो गेंदबाजों का है लेकिन एक तुरुप का इक्का आपका चल गया। बिल्कुल, और वो अपेक्षा रखते हैं अक्सर ऐसे, मैं हमेशा कह रहा था कि निडर होके खेलना ऐसे बड़े मैचेस में इसकी आवश्यकता है। और जब आप 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, आपको मौका मिलता है निडर होके बल्लेबाजी करने की, और वही हमने ऋषभ पंत के साथ देखा आज। जरूर थोड़े से लकी थे, लेकिन दूसरे ओवर पे जब रन नहीं आ रहे थे, लगातार रन बना रहे थे, उनकी और अक्सर की जो पार्टनरशिप हुई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोल अक्सर ने भी खेला वो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो भी आए, 2 लेफ्ट हैंडर को साथ में भेजा गया था, 4 नंबर पे अक्सर आए थे, और जिस तरह से बल्लेबाजी की, 20 रन जरूर बनाए, लेकिन वहां पे ऋषभ पंत को सांस देने का जगह दिया उन्होंने। तो ऑल इन ऑल, एक वो कहते हैं ना, आपको अगर जीतना है तो ऐसे जीतो कि फिर सामने वाला सोचे कि हम जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल, अभिषेक नायर फॉर्मर क्रिकेटर हैं और विनिंग टीम के साथ थे, केकेआर के साथ।
तो हमेशा अपना एक विनिंग बैज लेके चल रहे हैं। आज सुबह से बोल रहे थे जीतेंगे और ये वजह होगी। हमारे साथ रितिंदर भी है। रितिंदर, क्या कहा जाए, बीच में कभी हमें लग नहीं रहा था, मैं तो 12-13 ओवर तक जब इंडिया कर रहा था मुझे कभी लगा नहीं, 4 विकेट जब तक शादाब खान जब तक थे मुझे कभी लगा नहीं कि इंडिया ये मैच निकाल सकता है, लेकिन गेंदबाज चमत्कार है ये, इस तरह का 119 पे खेला। पिच जरूर दोनों टीम के लिए खराब थी, इंडिया के लिए स्पेशली पहले बैटिंग की पिच, बारिश, टॉस सब इंडिया के खिलाफ था। आप इस मैच को, गेंदबाजों के चमत्कार को कैसे देखते हैं? देखिए विमल, जैसे कहा जाता है ना, ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है डूब के जाना है, तो ये जीत नहीं आसा, आग का दरिया था और डूब के गई है भारतीय टीम, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की जो नई है ना डूब गई है, कोई चांस नहीं है, हम ये मैच हार जाएंगे, लेकिन यही है भारतीय टीम का दम, इनको हार के जबड़े से जीतना आता है। और जसप्रीत बुमराह, देखिए अभी मोदी साहब ने आज स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, शपथ ली है, तो मैं उनको दरखास्त करूंगा कि जो भारत रत्न जो बड़ा अवार्ड है ना बुमराह जी को दे दीजिए, क्योंकि ऐसी जीत दिलाना ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे प्रेशर में ऐसी बॉलिंग करना ये अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि आसान नहीं होता इतने प्रेशर में, जब आप जानते हैं आपका ओवर पूरी तरह मैच को बदल देगा, और आके बुमराह ने जो सटीकता दिखाई है, और ये सटीकता वो कई साल से दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये मैच बुमराह के नाम जाना चाहिए। बल्लेबाजी में गलतियां हुई, हमने रन्स नहीं बनाए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी मुकम्मल बॉलिंग लाइनअप है, अगर हम बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, तो भारतीय टीम को कोई हरा नहीं सकता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान अब सोच रही होगी कि ये मैच हमें जीतना चाहिए था, अब 10-12 दिन उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि पहले यूएसए जो मैच जीतना चाहिए था वो हार गए, अब ये मैच में मौका था वो फिर हार गए हैं, लेकिन भारत का मनोबल बड़ा होगा, और अब जो हम वर्ल्ड कप का सपना देख रहे हैं जीतने का, इस जीत से भारत का मनोबल बड़ा होगा। तो बड़ी मुबारकबाद रोहित शर्मा और तमाम लड़कों को जो आज लड़ते नजर आए हैं न्यूयॉर्क में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है विमल जी, कि ये स्मॉलेस्ट टोटल था जो इंडिया ने T20 में डिफेंड किया है, और एट द सेम टाइम ये सबसे लोएस्ट टारगेट था जो पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया है T20 इंटरनेशनल में। अभिषेक से मैं पूछना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह का वो ओवर जो 19th ओवर था, उस ओवर के बारे में, उस ओवर की क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जसप्रीत बुमराह एक अनोमली है, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि कहा जाता है, ही इज द बेस्ट बॉलर, वो चाहे ओडीआई में हो, चाहे T20 में हो, चाहे सारे फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह का कोई मुकाबला नहीं, और उन्होंने ये साबित कर दिया उस ओवर के साथ कि वो क्या क्वालिटी रखते हैं। देखिए, जब आप 4 ओवर में 14 रन देके 2 विकेट निकालते हैं, खास करके जब 120 रन आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हो, तो वैसे ही आप में क्वालिटी होगी तो ही कर सकते हो। आपने लास्ट ओवर की जिक्र की, लेकिन जो पावर प्ले में 2 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी हुई थी, पहले 2 ओवर के बाद ऐसे लग रहा था कि आराम से रन बनाएंगे, जब बुमराह है, बाबर आजम का विकेट चटका आया और वहां से इनिंग की गति कम हुई, तो कहीं ना कहीं हर बार जब भी गेंदबाजी करने आए थे, दूसरे स्पेल में आए, पहले ओवर में मोहम्मद रिजवान को आउट किया, तो आखिरी ओवर तक तो वैसे ही पाकिस्तान मेंटली खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पहले जो गेंदबाजी की है, जिस अंदाज से गेंदबाजी की थी, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच चल रहा है, वो भी लॉर्ड्स के स्पाइसी पिच पे। वैसे आज पिच वैसे इतनी खराब थी नहीं, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसे कभी लगा नहीं कि वाइड बॉल से हम T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी देख रहे हैं। वो कला है बुमराह की, और बुमराह एक ही हो सकता है, एक ही होंगे, और उनकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। बिल्कुल अशोक मल्होत्रा सर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक सर, हम लोग बुमराह की तारीफ कर रहे हैं एक तरह से, कि इस पूरे शो में बुमराह ही बुमराह है, इंडियन बॉलिंग है, क्योंकि इंडियन बैटिंग तो एक तरह से फ्लॉप रही थी, तुरंत ऋषभ पंत के अलावा। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे विराट का एक खौफ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बुमराह को भी एक मतलब खौफ के तरह से अक्रॉस द वर्ल्ड जो अच्छे गेंदबाज हैं उस तरह से देखते हैं। आपको लगता है एक बुमराह एक न्यू फेनोमेना, न्यू स्टारडम की ओर उन्होंने, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हमेशा करते हैं, इस विकेट पे भी शुरुआत में लोग जो कह रहे थे, जितने एक्सपर्ट्स कमेंटेटर, कि इस पे यॉर्कर डालने की जरूरत नहीं है, बॉल स्किड करा, वसीम अकरम तक ने कहा, लेकिन उन्होंने यॉर्कर भी डाला है इस पारी में बुमराह ने। देखिए, बुमराह को इसलिए बुम बुम बुमराह कहा जाता है, और जो सबसे अहम बात है, बुमराह की उनको मौके पे चौका लगाना आता, और उनको मालूम है कि किस समय किस अंदाज से गेंदबाजी करनी है, किस स्थिति में, परिस्थिति में किस अंदाज से गेंदबाजी करनी है, स्लोर
बॉल का इस्तेमाल करना है, यॉर्कर का इस्तेमाल करना है, गति का इस्तेमाल करना, ऑफ द लेंथ गेंदबाजी का इस्तेमाल करना, उनके पास वो कहते हैं ना इन अंदर उसका उनका जो कंप्यूटर है बड़ा तेज चलता है और उसको मालूम है किस कैसी स्थिति में किस अंदाज से गेंदबाजी करनी है, इसलिए दुनिया के अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं। और मेरे को इसमें कोई शक शुबा नहीं कि जो उन्होंने ये करिश्मा किया है वो लगातार बार बार करते चले जा रहे हैं, इसलिए उनको अव्वल नंबर का गेंदबाज कहा जाता है। और एक बार फिर पाकिस्तान को उन्होंने दर्शाया है कि उनका कोई सानी नहीं। आप शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, हैरिस राव की बात करें, मोहम्मद आमिर की बात करें, लेकिन बुमराह का कोई सानी नहीं। और उन्होंने एक बार फिर करके दिखाया क्यों उनको बुम बुम बुमराह कहा जाता है और क्यों वो अव्वल नंबर के गेंदबाज। बिल्कुल, एक सवाल ओसामा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो 40 की बात आप कर रहे थे और हम 40 आपके लिए इस मैच में जरूर बुमराह और गेंदबाजी है, लेकिन पाकिस्तान जिस प्रिपरेशन के साथ गई थी आप इससे बेहतर की मतलब अगर कुछ और होता तो चमत्कार होता। एक दिन पहले उन्होंने होटल चेंज किया है, ग्राउंड में एक दिन पहले पहुंचे, उनका कोई खिलाड़ी वहां तक मतलब पहले जाके वहां पे पाकिस्तान बोर्ड ने देखा नहीं, उनके कोच जो है 4 दिन तक पहले तक ऑनलाइन गैरी कस्टिन जो है वो कर, इतना बड़ा कोच और आप इस तरह से करते तो इस तरह के ही नतीजा। आप IIT का एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आप अचानक जा ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंच रहे हैं, इस बात का कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं? देखिए विमल जी, हम लोगों ने शुरुआत से ये बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी आप बात करते हैं तो उसमें आपको एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम दिखती है। वो प्रॉब्लम सिर्फ टीम की नहीं है, वो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है उसकी भी प्रॉब्लम है और ये सारा कुछ कलेक्टिवली जो है वो टीम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब चाहे वो होटल चेंज करने वाली बात हो या प्लेयर्स के स्टेडियम पहुंचने की बात हो, एक दिन पहले पहुंचने की बात हो, एक तरह से जब भी आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही साफ तरीके से दिख जाती हैं कि जो टर्मोइल है पाकिस्तान क्रिकेट में वो आप नकार नहीं सकते हैं और हमेशा यही होता है कि उसका असर आपको जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे दिखेगा। आप USA से हार गए जो मैच आपको जीतना चाहिए था, इंडिया के खिलाफ आपने जो है वो इंडिया को 119 पे रोक दिया, एक तरह से मैं रोक दिया ही कहूंगा क्योंकि ये हर बार नहीं होगा और हर बार नहीं होगा इंडिया के साथ स्पेशली कि वो लो स्कोर पे जो है लो टोटल पे आउट हो जाए इस तरह की बैटिंग को लेके, लेकिन वो आपने मैनेज कर लिया। लेकिन फिर आप जब चेस करने आए तो आपका जो अप्रोच था वो आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफेंसिव था, आपके पास नंबर 7 तक बैटर्स हैं लेकिन आपने जो है वो किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया, ना बाबर आजम ने लिया ना रिजवान ने लिया, सारे लोग डिफेंसिवली जो है वो खेल रहे थे। तो आई थिंक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो यहाँ दिखा है, वो शुरू से लेके एंड तक आता है। एक बार रितेंद्र के पास भी चलते हैं। रितेंद्र, हमारे अगर फैक्टर्स देखे, हमारे साथ सब कुछ अगेंस्ट था, बारिश, टॉस, बीच में आपको ब्रेक करना पड़ा, एक ओवर खेल के रोहित शर्मा फिर से दोबारा आए और फील्डिंग भी हमारी एक दो अच्छा कैच हमने मिस किया, इसके बावजूद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हम जीते वो पाकिस्तान खुद ही था। जी हाँ, देखिए विमल, बहुत ऑड्स हमारे अगेंस्ट थे लेकिन अगर हम बात करें भारतीय टीम की, बहुत दिन से हम बात कर रहे थे कि जो मुकम्मल टीम है वो भारत है। अगर आप USA के खिलाफ हार जाते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहां से मनोबल दोबारा एकाग्रत करना बहुत मुश्किल होता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे मौका था पाकिस्तान के पास, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, 119 रन। यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा होगा शायद हम चेस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बॉलिंग की हम देखिए अपने शोज में NDTV के माध्यम से कल से बात करें कि हमारी बॉलिंग में ज्यादा दम है। अशोकी बाजी ने कल ही बोला था कि अगर हम बुमराह की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, अर्शदीप की बात करें, इनके पास ज्यादा आर्सेनल है, इनके पास ज्यादा वेरिएशन है, ये प्रेशर को बेहतर झेल सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान को यही लग रहा होगा कि शायद मौका था लेकिन बड़ा मौका हाथ से गया है, लेकिन भारत के लिए बड़ी जीत है। पाकिस्तान को हराने से अब जो हमें मनोबल की जरूरत थी वो वापस आ गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो अच्छी बात यह है कि हमें बॉलर्स ने जिताया है और जब बॉलर्स जिताते हैं एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा अगला अप्रोच क्या होगा।